हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है डॉक्टर बम्बलबी। और आपको पता है ये एक लिटिल मंकी की स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। द सन वाज शाइनिंग थ्रू द विंडो व्हेन लिटिल मंकी वोक अप। ही गॉट अप, गॉट ड्रेस्ड एंड वेंट आउटसाइड। लिटिल मंकी जब सो के उठा तो उसने अपना ड्रेस चेंज किया और बाहर चला गया। ही रैन डाउन टू हैप्पीनेस ट्रीम टू वॉश हिमसेल्फ। ही वॉज हंग्री। व्हाट शैल आई हैव टुडे? ही आस्क्ड हिमसेल्फ एंड लुक अराउंड फॉर समथिंग टू ईट। उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो उसने कहा कि मुझे आज क्या करना चाहिए। तो वो अपने इर्द गिर्द को खाने की कोई चीज देखने लगा। Suddenly he saw a lovely big red apple on the branch of a tree. He picked the apple and without washing it, he ate it. उसको एक बहुत बड़े दरख्त पे एक बहुत बड़ा एप्पल नजर आया। उसने वो एप्पल तोड़ा और विदाउट वॉश ये गंदे बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया। देन ही एट टू मोर एप्पल्स। नाउ ही डिसाइड टू लुक फॉर हिज फ्रेंड। जब वो दो और एप्पल खा चुका तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने फ्रेंड्स को ढूंढना चाहिए। वाइल रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही गॉट अ स्टमक एग। द एग गॉट फर्स्ट and he had to sit down. Soon he started to cry. जब वो जंगल में अपने फ्रेंड्स को देख ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गई और वहीं पे बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। He had not washed those apples and now the germs had entered his stomach. Little monkey felt very sick. उसने जो एप्पल खाए थे वो उसने उसको वॉश नहीं किया था जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो उसकी स्टमक में चले गए और वो बीमार हो गया। लकली डॉक्टर बम्बलबी वॉज आउट ऑन हिज राउंड। ही सा लिटिल मंकी एंड फ्लू ओवर टू हिम। डॉक्टर बम्बलबी जो वहां से गुजर रही थी उसने लिटिल मंकी को देखा और पूछा व्हाट्स द मैटर। ही आस्क्ड I have put a very bad stomach ache, said little monkey. Little monkey ने कहा कि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रही है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। Let me see, said Dr. Bumblebee. Dr. Bumblebee ने बोला मुझे चेक करने दो। Then he took out his stethoscope and examined little monkey. You have germs in your stomach and you need an injection, he said. Dr. Bumblebee ने बोला जो germs हैं वो तुम्हारे stomach में चले गए हैं, अब तुम्हें तो injection लगेगा। Please doctor, don't give me an injection, said little monkey. लिटिल मंकी ने कहा प्लीज डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मुझे इससे पेन होगी। डोंट वरी, इट्स वॉन्ट हर्ट, सेड डॉक्टर बम्बलबी। डॉक्टर बम्बलबी ने बोला तुम परेशान मत हो, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। Dr. Bumblebee kept talking to little monkey while he was giving him the injection. Little monkey only felt a little prick. Dr. Bumblebee little monkey से बातें भी करती रही और उसको इंजेक्शन लगा दिया। लिटिल मंकी को हल्की सी चुभन महसूस हुई। He did not realize that Dr. Bumblebee had given him the injection. और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला और डॉक्टर बम्बलबी ने लिटिल मंकी को इंजेक्शन लगा दिया। They're all done, said Dr. Bumblebee. Really, said little monkey, I hardly felt a thing. I must go now, said Dr. Bumblebee. Get well soon.
लिटिल मंकी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आपने मुझे इंजेक्शन लगाया है। लिटिल मंकी थैंक डॉक्टर बम्बल बी। लिटिल मंकी ने डॉक्टर बम्बल बी का शुक्रिया अदा किया। रिमेम्बर डोंट ईट एनी मोर फ्रूट विदाउट वॉशिंग इट, सेड डॉक्टर बम्बल बी। डॉक्टर बम्बल बी ने मंकी को बोला, आपने कोई भी फ्रूट विदाउट वॉश किए नहीं खाना। नाउ गो होम एंड रेस्ट, आप घर जाओ और रेस्ट करो। देन ही फ्लू ऑफ टू विजिट हिज पेशेंट। लिटिल मंकी वेंट स्ट्रेट होम टू रेस्ट। लिटिल मंकी घर गया और रेस्ट करने लगा। ऑल हिज फ्रेंड हियर अबाउट हिज इलनेस एंड दे केम टू विजिट हिम। जब उसके फ्रेंड्स ने उसके बारे में बीमारी के बारे में सुना तो सब उसको देखने के लिए गए और अपने साथ एक बास्केट लेके गए जो फुल ऑफ फ्रूट्स थी। उसमें हर तरह का फ्रूट्स था। लिटिल मंकी वॉज वेरी प्लीज टू सी देम। लिटिल मंकी ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। दे गेव हिम द फ्रूट, उन्होंने लिटिल मंकी को फ्रूट की बास्केट दी। बी स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू टेक एन एप्पल बट लिटिल मंकी स्टॉप हिम। जो बियर था वो जैसे ही एप्पल लेने लगा बास्केट से तो लिटिल मंकी ने उसको कहा, स्टॉप, डोंट ईट फ्रूट विदाउट वॉशिंग इट, फर्स्ट ही सेड। I was ill today because I did not wash the food before I ate it. उसने कहा, हमें कोई भी फ्रूट विदाउट वॉश किए नहीं खाना चाहिए और आपको पता है मैं आज इसी वजह से बीमार हुआ हूँ। The animal was all grateful to little monkey for telling them things. To telling them this. सब एनिमल्स ने लिटिल मंकी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने इतनी अच्छी बात सबको बताई। लिटिल मंकीज मदर टुक द फूड इनटू द किचन एंड वॉश इट। लिटिल मंकी की जो मदर थी वो फूड बास्केट लेके गई और सारा फूड वॉश करके दिया। देन शी बॉट इट बैक फ्रॉम देम टू ईट, उसने कहा कि अब तुम इसको खा सकते हो। और सबने बहुत सब बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए और सबने मिलके खुश होके सारा फ्रूट खा लिया। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें कोई भी चीज विदाउट वॉश किए नहीं खानी चाहिए, इससे जर्म्स हमारे पेट में जाते हैं और बीमार हो सकते हैं। और हमने आज एक और बहुत अच्छी बात सीखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।